नमस्कार मित्रों, मैं हूँ महेश और आज की वीडियो में हम एक लाइव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। एक छोटा सा बार प्रॉब्लम है अपने इस आसुस के लैपटॉप में, ये जनरली का मतलब आता है। और इस लैपटॉप के अंदर जैसे कि ये लैपटॉप अब जब हम ऑन करते हैं तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, बायस का ऑप्शन शो कर देता है। तो अभी एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखिए, आप ऑन करने के बाद तुरंत बायस के अंदर जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बंद भी करते हैं, ठीक है, फिर से ऑन कर देते इसको, तो फिर भी ये डायरेक्टली बायस के अंदर जाएगा, आपको दूसरा कुछ दिखाएगा नहीं, मतलब हार्ड डिस्क का वो डिवाइस कुछ दिखाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको ये जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन में। देखिए सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है, सिक्योरिटी ऑप्शन में सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे सिक्योर लास्ट में से थर्ड वाला ऑप्शन सिक्योर बूट कंट्रोल में जाना है। तो इस सिक्योर बूट कंट्रोल के अंदर आपको इसको क्या करना है, जहाँ पे एक एनेबल लिखा है यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दिया तो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, या इससे आगे हम जाएंगे बूट मेनू में। देखिए यहाँ पे मैंने बूट मेनू पे गया, उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्च CSM है, ये वाला लॉन्च CSM को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से अनेबल कर दूंगा। तो अनेबल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा लास्ट में सेव एंड एग्जिट में, सेव करूंगा यहाँ से, एक मिनट, सेव कर दूंगा और एग्जिट कर दूंगा, एस बोल दिया। तो अभी देखते हैं कि अपना क्या प्रॉब्लम है। देखिए चलो ठीक है, अगर आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर OS होगा, अब इस हार्ड डिस्क के अंदर OS नहीं इसलिए ऐसा दिखा रहा है, अगर हार्ड डिस्क के अंदर OS होता तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली आपका विंडोज ऑन हो जाता। तो एक छोटा सा सेटिंग है इस आसुस के बोर्ड में जो कि आपको कहीं से नहीं मिल रहा होगा, तो आप इस वीडियो को देख के आप ऐसे सेटिंग करिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।